नमस्ते दोस्तों, हैप्पीली वेज में आपका स्वागत है, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान, स्वादिष्ट और पौष्टिक रेसिपीज। आज हम बनाने जा रहे हैं बेहद स्वादिष्ट आलू गोभी की सब्जी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे जरूर लाइक कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के चिन्ह को दबाइए ताकि हमारी आने वाली रेसिपीज आप तक आसानी से पहुंचे। रेसिपीज पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट happilyveg.com को विजिट कर सकते हैं। इस रेसिपी के लिए सामग्री की सूची आप यहां और नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। सबसे पहले एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। मैंने यहां सरसों का तेल इस्तेमाल किया है, लेकिन अगर आप चाहें तो दूसरा तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल गरम होते ही हम इसमें जीरा डालेंगे और तड़कने देंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन और अदरक डालेंगे और हल्का बादामी रंग आने तक फ्राई करेंगे। दोस्तों, हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में विभिन्न तेल खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि मूंगफली का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल इत्यादि। ये तेल उस प्रांत के मौसम के अनुरूप होते हैं, इसीलिए सेहत के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। तो आप जितना हो सके सनफ्लावर ऑयल की तुलना में इन तेलों का उपयोग खाना बनाने के लिए ज़्यादा करें। अदरक और लहसुन हल्के बादामी रंग के हो गए हैं, अब हम प्याज डालकर इसे भी हल्का बादामी रंग का होने तक फ्राई करेंगे। इसमें लगभग 4 से 5 मिनट लगेंगे। अब हम गोभी और आलू डालेंगे और तड़के में अच्छी तरह से मिला लेंगे। गोभी को मैंने 10 मिनट तक नमक वाले पानी में रखकर फिर सादे पानी से धो लिया था ताकि ये अच्छी तरह से साफ हो जाए। नमक भी डाल देंगे ताकि गोभी और आलू जल्दी पक जाएं। आलू और गोभी को हम लगभग 2 से 3 मिनट पकाएंगे और फिर मसाले डालेंगे। मसालों में हम हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला इस्तेमाल कर रहे हैं। मसालों को सब्जी में अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब हम सब्जी को 5 से 7 मिनट तक ढककर पकाएंगे और बीच में 1 या 2 बार चलाएंगे। अब हम इसमें टमाटर डालेंगे। दोस्तों, टमाटर बाद में डालने से इस सब्जी में बहुत अच्छा स्वाद आता है। अब हम सब्जी को ढककर 2 से 3 मिनट तक और पकाएंगे ताकि टमाटर भी अच्छी तरह से पक जाए। आलू गोभी की स्वादिष्ट सब्जी तैयार है। अब हम धनिया पत्ते से इसे गार्निश करेंगे। दोस्तों, आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।